बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग मूवी इमरजेंसी सुर्खियों में है। जब से एक्ट्रेस ने फिल्म में अपनी पहली झलक शेयर की है, तब से ही वो चर्चा में बनी हुई है। वो फिल्म में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। अब इस फिल्म से अनुपम खेर का लुक रिवील हो गया है। वो फिल्म में जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी का किरदार निभाएंगे। उनका फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर फिल्म से अनुपम खेर का फर्स्ट लुक रिवील करते हुए कैप्शन में लिखा है, अंधेरा है तो उजाला भी है, इंदिरा है तो जयप्रकाश भी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में अनुपम खेर के लुक को प्रेजेंट करते हैं। हैशटैग इमरजेंसी। वही अनुपम खेर ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने लुक को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, बिग नीडर होकर सवाल करने वाले व्यक्ति के किरदार को निभाने के लिए बहुत खुशी और गर्व महसूस कर रहा हूँ। कंगना रनौत स्टारर और डायरेक्शन में बनी इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण मेरी 527वीं जय हो। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो समाजवादी और राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। अनुपम खेर के लुक की बात करें तो हूबहू उनकी तरह ही नजर आ रहे हैं। मेकअप से लेकर एक्सप्रेशन तक सब कुछ बिल्कुल जेपी नारायण से मेल खा रहा है। उनका लुक देखकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। एक तरफ फिल्म की कास्ट के फर्स्ट लुक सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कंगना रनौत और उनकी ये मूवी अभी से विवादों में घिर गई है। कांग्रेस ने इस फिल्म को लेकर आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि इसके जरिए इंदिरा गांधी की इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। बता दें कि इस फिल्म में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना को दिखाया जाएगा। फिलहाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।